हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, एकदम से परफेक्ट होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत सारा काम करना है सेटअप पे। आप लोगों की खूब सारी कमेंट आ रही है कि सेटअप को अच्छे से कवर करिए, अच्छे से बनाइए। तो अच्छे से बना के लिए कुछ मटेरियल लेकर आए हैं सेटअप को, और साथ ही में जो भी एक्टिविटीज आज सेटअप पर होगी उसमें आज जीवन बहुत साथ देने वाला है हमारा, क्योंकि जीवन आज फिर से आया हमारे पास। काम बहुत सारा है तो मैंने इसलिए जीवन को बुला लिया। आज जीवन छुट्टी पर भी था तो जीवन भाई काम कराओगे साथ में लग के? नहीं कराएंगे, जोर से बताओ ना, सब्सक्राइब कराएंगे। हाँ ठीक है, कराएगा। तो चलिए दोस्तों, आज दिखाते हैं हम क्या करने वाले। लोगों की भी आ गई है छत पर। अरे सामान कब लिया है आप? हमें तो बहुत देर हो गई इसको लाए हुए, तुम्हें लेट हो गई। ये देखो आज हम इसे लेकर आए, मुझे इसलिए पता नहीं चला ना, मैं नीचे रूम में थी। आज फाइबर लेकर आए हैं और ये भी लेकर आए हैं। जीवन भाई को भी लेकर गए थे साथ? जीवन भाई साथ में गए थे। तो अरे वाह, फाइबर शीट का कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है। कलर तो बाकी पहले हमने ग्रीन कलर लगाया था ना, अच्छा लग रहा है। हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो दोस्तों करते हैं स्टार्ट फटाफट से। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कमेंट अक्सर रहती है कि मैम आपने कबूतरों को दाना कौन सा खिलाती हैं। तो आज हम पहले दाना लेकर आए हैं, दाना आपको डाल के दिखाएंगे और दाने की क्वालिटी दिखाएंगे, दाने में कबूतरों क्या खिलाते हैं। तो आज करेंगे पूरा काम। जीवन तुम इसे खोलो भाई, ठीक है फटाफट से। तो फ्रेंड्स देखिए दाना हम क्या लेकर आए हैं अपने कबूतरों के लिए, वो दिखाते हैं। और देखिए सबसे पहले हम लोग इसको पलट देंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों की कमेंट रहती है, मैंने चेक किया है कि आप फीड में क्या खिलाते हैं कबूतरों को, वो जरूर दिखाया करें। तो अपने कबूतरों का फीड हम आपको दिखाने वाले हैं आज पूरा का पूरा, और काफ़ी फीड ऊपर तक भरा हुआ है। जिम सेट हुई भाई, ये रहा पूरा कट्टा, बस थोड़ा क्योंकि नज़दीक से दिखा दो एक बार। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा दाना कबूतरों का जो हम लोग खिलाते हैं, और इस दाने में हम लोग खिलाते हैं कबूतरों को, जो भी कुछ हम दाने में खिलाते हैं वो आपको दिखाने वाले हैं बहुत नज़दीक से। तो आइए दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम अपने दाने में सबसे पहले क्वांटिटी रखते हैं चने की बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए चने में काफ़ी कैल्शियम होता है और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है ये जो होता है चना। और वहीं फिर फाइबर के लिए रखते हैं मक्का, मक्का भी खिलाते हैं। और अब जो ठंड सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में हम लोग कबूतरों को दे रहे हैं यहाँ पर बाजरा काफ़ी सारा, ये देखिए काफ़ी क्वान्टिटी में है। और बाजरे के साथ हम दे रहे हैं यहाँ पर अकला, अकला भी दोस्तों खिलाते हैं, अकला भी काफ़ी गर्म होता है तो अकला सभी को खिला ले जाइए। देखिए अकले की क्वान्टिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, देखिए ब्लैक कलर में जो है अकला है ये यहाँ पर, ठीक है। और अकले के साथ इसमें सरसों मिलवाई हुई है कुछ हमने, सरसों भी इसमें होती है ये देखिए दाना। और कुछ ज्वार का भी सेवन हम लोग कराते हैं, ज्वार भी काफ़ी अच्छी होती है कबूतरों के लिए। और गेहूं तो प्रॉपर इसमें होता ही, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ दाना है कबूतरों के लिए, इसको मिक्स कर देते हैं फटाफट से। और हमारे कबूतर काफ़ी भूखे भी होंगे इस वक्त, तो उन्हें थोड़ा दाना रख भी देते हैं। देखिए इतने चावों से वो लोग दाना खाएंगे। जीवन इसको हटा दो इधर से भाई। ये देखिए दोस्तों दाना हो गया मिक्स। और बाकी अब एक काम करते हैं फटाफट से, ट्रे देखिए मैं दिखा रहा हूँ कितने चाव से दाना खाते हैं। ये हमने दाना लिया और लेने के बाद ये देखिए सारे कबूतर एकदम टूट के पड़ेंगे दाने पे। आजकल हम लोग कबूतरों को अंदर ही चुगा रहे हैं, बाहर नहीं निकाल रहे हैं। देखिए दोस्तों देखा कितने शौक से खा रहे हैं, और फटाफट से बिल्कुल चट कर जाएंगे, सारे दाने को छोड़ेंगे नहीं। इनको तो हमने दाना दे दिया, चलते हैं उधर वाले कबूतर को दाना देंगे चल के, जो हमारे दूसरे वाले जाल में। और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों उसके लिए कि हम लोगों ने सेटअप इतना मजबूत बनवाया है और हमने पेटी छत से हटा दी है। तो आप लोगों की बड़ी कमेंट्स आई हैं, उस कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। यूँ ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार बनाए रखिए अपना। तो अब बाकी कबूतरों को दाना देते हैं। जीवन भाई वो लौटरे उठा के उधर से, एक कबूतर हमारा निकल गया जल्द से, वो देखिए उड़ रहा है आप पर। ये हमारा जैक है, तो ये देखिए दोस्तों दाना, उसको भी हम रख देंगे अपने कबूतरों के लिए जो भी काफ़ी भूखे हैं। सभी कबूतर टूट के ना आए तो कहना, ये लो भाई तुम्हारे लिए दाना सबके लिए। ये देखिए दोस्तों किस तरह सारे कबूतर दाना खा रहे हैं। तो गाइस अभी दोनों जाल के कबूतरों को फीड हमने करा दी है, और अब जो हमारा बाकी का काम है आगे उसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे फ्लैक्स से स्टार्ट, क्योंकि गाइस पहले इसी को कवर करना ज़रूरी है। आप लोगों की भी रेगुलर कमेंट्स आ रही हैं कि अभी सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है तो आप सेटअप को जल्दी से कवर कर दीजिए। तो आज सबसे पहले वही करने वाले हैं, और दाने को रख देते हैं यहाँ से साइड में, क्योंकि पूरा काम हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो फाइबर शीट का काम है फिर उसको स्टार्ट करेंगे आगे। Thank you.
गाइस हमारा जो पिजन सेटअप है वो देखिए अभी कवर होने के बाद कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आर्यन ने और साथ में जीवन भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसको पूरा कवर करने में, और सच बताऊँ तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ काम किया है। और गाइस जब इन्होंने पूरा पीछे से भी मैंने आप लोगों को दिखाया था वीडियो में, पीछे से भी इन्होंने पूरा कवर कर दिया है। बिल्कुल भी हमारे कबूतरों को अब ना तो ठंड लगने वाली है, और अगर बारिश भी आती है, हवा चलती है, कुछ भी, सभी से हमारे कबूतर अब एकदम से सेफ रहेंगे और एकदम सुरक्षित रहेंगे। और गाइस आज ना मैं क्या सोच रही हूँ कि हमारे जो कबूतर हैं ना वो काफ़ी टाइम से बंद हैं, हम उनको अंदर ही फीड वगैरह करा रहे हैं जब से बंदरों ने अटैक किया है। तो अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि अंधेरा भी हो रखा है तो आज क्यों ना इन सभी को बाहर निकाल के और बाहर फीड करा दी जाए, ये दाना वगैरह पानी बाहर ले लेंगे और उसके बाद फिर हम इनको वापस से कवर कर देंगे। तो चलिए अब इनको बाहर निकाल लेते हैं और बाहर ही इनको फीड करा देते हैं। तो इनको अभी पहले मैं बाहर खोल देती हूँ और इधर वाले कबूतरों को भी। तो गाइस अभी सभी कबूतरों को खोल दिया है और हमारे सभी कबूतर देखिए अच्छे से दाना खा रहे हैं और सभी मुझे काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। और मुझे तो लगता है इनको अपना नया घर बड़ा ही पसंद आया है, और इनको खुश देखकर गाइस मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो एक बार फिर से मैं आर्यन का और जीवन भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने इतनी मेहनत की हमारे सेटअप को कवर करने में। और गाइस देखिए फाइबर शीट का एक टुकड़ा हमने यहाँ पर भी जाल के ऊपर लगा दिया है, क्योंकि जैसे कि बारिश वगैरह का पानी नीचे ना जाए, और साथ में हमारे जो कबूतर गंदगी वगैरह करते हैं तो वो नीचे चली जाती है। तो अब ये भी यहाँ से पूरा कवर हो गया है और काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और आप लोग कमेंट्स करके बताना कि कैसा लगा आप लोगों को ये सब कुछ, और अभी हमारा सेटअप कैसा लग रहा है। ठीक है, तो कल मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे ब्लॉगर को की पैट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।